वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय फ्रेंड नॉलेज कंट्रीब्यूशन। एंड आज का टॉपिक हमारा है ऑटोकैड एप्लीकेशन इन ऑटोकैड इन सिविल इंजीनियरिंग। ये है हमारा टॉपिक। डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल पेपर है जो फोर्थ सेम में हमको सीखना होता है, ठीक है। और ये जो पेपर का इसका टोटल मार्क्स है 75 और टीम वर्क के बेस यहाँ पे मिलेगा 35 और प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू यहाँ पे मिलेगा 40। तो प्रैक्टिकल वर्क के लिए हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये कोर्स जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारा सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए और सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा फोर्थ सेम कोर्स के लिए भी, ठीक है। और यहाँ पे जो क्रेडिट है वो है 2, ठीक है। तो हम टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट टॉपिक में एंट्री करते हैं। यहाँ पे जो टॉपिक है आप देख रहे हैं, यहाँ पे 13 अलग अलग टॉपिक है। वो 13 अलग अलग टॉपिक के लिए हमारा 13 डेज का ये कोर्स है। आज का फर्स्ट डे में हम सीखेंगे हाउ टू गेटिंग स्टार्ट, ऑटोकैड को कैसे शुरू किया जाए। ये वाला जो येलो पार्ट है ये आज का टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑटोकैड को स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्ट मेनू पर क्लिक करना पड़ेगा। स्टार्ट मेनू पर क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है। उसके बाद ऑटोडेस्क मिलेगा, ऑटोडेस्क पे क्लिक करना है। ऑटोडेस्क के बाद ऑटोकैड 2009 दिखा रहा है। मेरा सॉफ्टवेयर 2009 है इसलिए ऑटोकैड 2009 दिखा रहा है। अगर आपका सॉफ्टवेयर 2015 या लेटेस्ट वर्सन या फिर इससे ओल्डेस्ट होगा तो वो शो करेगा। तो आप वो फोल्डर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑटोकैड 2009 और आपका जो वर्सन है वो वहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर ओपन होगा। ये जो है ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर है ओपन हो रहा है। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। उसके बाद अब ये जो देख रहे हैं ये जो सॉफ्टवेयर का पार्ट है जो माउस मूवमेंट के साथ मूव कर रहा है, ये वाला पार्ट को हम बोलेंगे कि कर्सर, ठीक है। ऑटोकैड का ड्राइंग कर्सर है ये वाला जो स्पेस है जहाँ पर ये मूव कर रहा है, ये स्पेस का नाम है ड्राइंग और ग्राफिक्स विंडो, ठीक है। ये वाला पोर्शन को ग्राफिक्स विंडो भी कहता है, ठीक है। उसके बाद है कमांड विंडो। हमको जानना है कमांड विंडो क्या है। कमांड विंडो है अगर हम ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कमांड लाइन, ये है कमांड विंडो। यहाँ से अगर हम ऑटोकैड पे कोई ऑर्डर दे तो ऑटोकैड से भी रिप्लाई आएगा और हम जो इनपुट दे रहे हैं वो भी दिखेंगे, ठीक है। अगर हम सपोज़ लाइन कमांड को एंटर करें एल इंटर से, तो आप देख रहे हैं कि ऑटोकैड से अंदर से रिप्लाई आ रहा है कि लाइन स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट को बोलो या फिर सिलेक्ट करो। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट पॉइंट को बोलेंगे तो फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे सकते हैं और फर्स्ट पॉइंट को ईजिली यहाँ पे ड्राइंग और जो ग्राफिक्स विंडो है वहाँ पे हम डायरेक्ट क्लिक करके भी फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी कमेंट को
कैंसिल करने के लिए एस्केप बटन पे क्लिक करना है। तो हम एस्केप बटन जो है वो है कीबोर्ड का लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे होता है, वो एस्केप बटन को क्लिक करें, उसके बाद कैंसिल हो गया। अब देख रहे हैं कि कैंसिल भी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट है हमारा कमेंड विंडो। नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन मेनू। क्या होता है, ऑटोकैड की नीचे जहाँ पर आप कोऑर्डिनेट को देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट मूव करने के बाद ये कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है, उसके उसके आसपास जो सारे टैब्स है, वो जो सारे मेनू है, वो है ड्रॉप डाउन मेनू। यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे कि ग्रिड है, ओस्नैप है, ऑर्थो है, सब सारे मेनूज है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे ऑटोकैड जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को चेंज करने के लिए बहुत सारे चीज़ है। ये वाला जो सेटिंग ऑप्शन है, ये सेटिंग ऑप्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऑटोकैड पे। यहाँ पे क्लिक करके आप ऑटोकैड की जो व्यूज़ है, वो व्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। ऑटोकैड इंस्टॉल करने के बाद 2D ड्राफ्टिंग एनोटेशन पे होता है, ठीक है। और ये इसको चेंज करके ऑटोकैड क्लासिक पे आना होता है। हमारा क्लासिक इनेबल है। ये वाला जो क्लासिक पार्ट है, क्लासिक पार्ट ड्राइंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये बहुत ही प्रोफेशनल होता है। तो क्लासिक को हम इनेबल किया है यहाँ पे। यहाँ पे आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप 2D एनोटेशन पे जा सकते हैं या फिर 3D मॉडलिंग पे जा सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, तो ये है ड्रॉप डाउन मेनू। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है वो है टूल बार। टूल बार क्या है, टूल बार है ऑटोकैड का मेन, मगर टूल बार हम यूज़ नहीं करते, टूल बार को हम कमांड से यूज़ करते हैं। मगर टूल बार भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये टूल बार पे क्या क्या होता है, टूल बार पे ड्राइंग टूल्स होता है, जो है लाइन है, इरेजर है, सर्कल है, ये कॉपी करने का टूल्स है, ये मिरर है, ये ऑर्थो है, ऑफसेट है, ये वाला जो है रेक्टेंगल है, पॉलीगॉन है, सारे जियोमेट्रिक शेप यहाँ पर है, और सारे डायमेंशन देने के लिए, डायमेंशन शो करने के लिए भी टूल्स यहाँ पर है, और लेयर एट्सेट्रा, डिफरेंट चीज़ यहाँ पर, डिफरेंट टूल बार्स यहाँ पर है। और कोई भी टूल बार अगर आप ले आना चाहते हैं तो आप इंसर्ट पे क्लिक करें, आप टूल्स पर क्लिक करें, आप व्यू पे क्लिक करें। व्यू पे क्लिक करने के बाद टूल बार पे जाइए। टूल बार पे जाकर न्यू टूल बार को आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, तो यहाँ पे ही हमारा फर्स्ट जो ऑटोकैड का टॉपिक है, गेटिंग स्टार्टेड, वो क्लोज हो रहा है। और सेकंड दूसरे दिन हम सेकंड टॉपिक को टच करेंगे, द बेसिक कमेंट टू गेट स्टार्टेड। बेसिक जो कमेंट होता है ऑटोकैड का, जिसके द्वारा आप काम करेंगे ऑटोकैड पे, वो हम नेक्स्ट डे आपको सिखाएंगे। थैंक यू।